कहते हैं कि एक रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स होना कॉमन है। एक रिश्ते में अगर आर्ग्यूमेंट्स ना हो तो स्ट्रेंथन नहीं होता। क्या ये सच है? वेल, सत श्री अकाल, नमस्कार, दिस इज नेहा भाटिया। अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू एट माई चैनल, एंड इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज टू। एंड जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं। वेल, आप जानते ही होंगे दैट आई हेल्प पीपल रीप्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस माइंड फॉर देयर ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड एफर्टलेस लाइफ। तो एक रिश्ता एफर्टलेस क्यों नहीं हो सकता है? रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स होनी क्यों ज़रूरी है उसको बढ़ाने के लिए? तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि कितनी तरह की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और आर्ग्यूमेंट में क्या क्या होता है और आप आर्ग्यूमेंट्स में क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपकी आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं वापस से लव में बदल जाए। वेल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। नंबर वन आर्ग्यूमेंट होती है कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट, जहाँ पर लोग आर्ग्यू करते हैं, अपना पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, है ना, पार्टनर्स आपस में अपना पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, काफ़ी देर तक, चाहे एक घंटा, दो घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, है ना, छोटी छोटी चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट होती है, बड़ी बड़ी चीज़ों पर भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। बट ये जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये वो लोग हैं या फिर तो वो थोड़ी देर बाद लेट गो कर देते हैं या उसको रिजॉल्व करते हैं या उसको ह्यूमर के साथ ख़त्म कर देते हैं। आपको याद है ना कि ह्यूमर क्या है? कहीं आप भूल तो नहीं गए लॉकडाउन में कि ह्यूमर है क्या? हम लोग बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं इस लॉकडाउन में। ख़ास तौर से लॉकडाउन में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं पार्टनर्स में और वो इनको डील नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है बहुत लोगों का। तो आज मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, वन बाय वन, एक एक करके, एक एक स्टेप हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर क्या मिस हो रहा है। तो सबसे पहली कैटेगरी में क्या आप आते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट में, यानी कि आप क्या कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट करते हैं, कितनी करते हैं, 100 में से 60-70%, 50% या 10% या 70-80%। अगर आपकी रिलेशनशिप में 70-80% आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टिव है तो आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है और आगे जाएगा, राइट? दूसरी तरह की जो आर्ग्यूमेंट होती हैं वो होती है फ्लैट आर्ग्यूमेंट। बहुत ही डेंजरस होती है ये फ्लैट आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि हम आर्ग्यू कर रहे हैं और आर्ग्यू करके कोई इसको बात को ख़त्म नहीं किया, कोई रिस्पेक्ट नहीं है पार्टनर के लिए, कोई लव नहीं है, बस आर्ग्यू को ख़त्म करके अपने काम में लग गए और दो दिन बाद फिर आर्ग्यूमेंट हो रही है, मे बी उसी सब्जेक्ट पर या किसी और सब्जेक्ट पर या किसी और सिचुएशन पर, बट आर्ग्यूमेंट हो रही है, राइट? फ्लैट आर्ग्यूमेंट बहुत डेंजरस होती है। फ्लैट आर्ग्यूमेंट इज़ समथिंग लाइक, जैसे हम ECG में देखते हैं ना, जैसे एक लाइन हो जाती है जब एक व्यक्ति बिल्कुल मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गई है, उसमें प्यार नहीं है, उसमें रिस्पेक्ट नहीं है और आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म करना भी नहीं चाहते, यानी कि आप सेपरेट नहीं होना चाहते, आप डिवोर्स भी नहीं लेना चाहते, लेकिन आर्ग्यू पे आर्ग्यू करना चाहते हैं। अपने अपने रीजंस होते हैं सबके, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट? तीसरी तरह की जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट। बहुत ख़तरनाक होती है ये भी, बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, इसमें आप आर्ग्यू कर रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं और ये जो रिलेशनशिप है ये डाउन हिल जा रही है। कंस्ट्रक्टिव में क्या था, वो रिजॉल्व कर रहे थे, ये रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट को। यहाँ पर तीसरे में और सेकंड में क्या हो रहा है, फ्लैट में एंड डिस्ट्रक्टिव में, कि हम बारी बारी दूसरे की प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? और हमने क्या सफ़र करा है, हमने क्या गो थ्रू करा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्टिव वाली है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप और डाउन जा रहे हैं, डाउन हिल जा रहे हैं और इसमें थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट फिर भी हो सकती है। जैसे कि कई बार मेरे पास बड़े सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं, यू नो माय पार्टनर इज़ रियली अ नाइस ह्यूमन बीइंग, रियली अ नाइस पर्सन, बट उनकी ना ये हैबिट है और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं हमारी रिलेशनशिप में। तो इसका मतलब आप इशू को तो रिजॉल्व ही नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप डिस्ट्रक्शन के यू नो उस फ्लो में जा रहे हो लेकिन इशू को रिजॉल्व कर ही नहीं रहे हो। आप ये बोल रहे हो हाँ हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, ऊपर ऊपर से कवर कर रहे हो, राइट? और डिस्ट्रक्शन में जा रही है ये रिलेशनशिप। फ्लैट और डिस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ।
फ्लैट में क्या है, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है, पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, दे विल बी टुगेदर। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना दैट हम डिवोर्स भी नहीं लेते, सेपरेट भी नहीं होते, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आप डिवोर्स भी ले लेते हैं, सेपरेट भी हो जाते हैं, और फिर भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, राइट? कभी फिर से भी मिलेंगे तब भी नेगेटिविटी रहेगी, थोड़ा बहुत रिजॉल्व करते हैं वो, राइट? फ्लैट में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आई रिमेंबर आई मेट अ कपल ऑफ पीपल लाइक दैट, एंड जहाँ पर दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, एंड दे जस्ट डिड नॉट वॉन्टेड टू गेट डिवोर्स। यू नो वाई? बिकॉज दोनों की ईगो बीच में आ रही थी, स्पेशली वाइफ की आ रही थी। नो ऑफेंस, हाँ, नो ऑफेंस, क्योंकि अ मैन हैज़ हिज ओन रीजंस, अ वुमन मे हैव हर ओन रीजंस, बट आई मेट मेनी पीपल वेयर दे जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अ डिवोर्स जस्ट बिकॉज वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू द अदर पर्सन। तो आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एक जो सांप होता है ना, जहरीला सांप, जब भी वो किसको काटता है, यू नो वेन एवर इट बाइट्स, एंड होता क्या है, जब भी इट अटैक्स ऑन एनीबडी और एनी ह्यूमन बीइंग, तो वो अपना जहर दूसरे को दे देता है। और रिलेशनशिप में भी यही हो रहा है, हम अपना जहर, अपने अंदर का जो भी हमारे अंदर भरा हुआ है नेगेटिविटी, हम दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति गलत है, राइट? सो ये तीन कैटेगरीज हैं एक तो आर्ग्यूमेंट्स की, और आपको देखना है कि आपकी कौन से लेवल पर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी डिस्ट्रक्टिव में आ रही है, और कहीं ना कहीं आप यू नो कहीं ना कहीं आप इसको करेक्ट कर सकते हो, बट आप करना नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपके इमोशंस बहुत बंधे हुए हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू सिस्टम, आपके बिलीव्स आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी आपको रोक रही है, राइट? चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी एज 60s में हो, 20s में हो, डजंट मैटर, जो रिलेशनशिप है वो यूनिवर्सल लेवल पर चलती है। आई रिमेंबर आई हैड अ क्लाइंट एंड शी वाज 67 ईयर्स ओल्ड, ओके? शी कम्स टू मी व्हेन शी डिड माय फर्स्ट वर्कशॉप, एंड वी डिड अ ब्यूटिफुल टेक्निक एंड अ प्रोसेस ऑन रिलेशनशिप। शी केम टू द सेकेंड वर्कशॉप एंड शी सेड इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी दैट नेहा, what you gave to me was such a, it made such a difference in my life and in my relationship. I am 67, and by the way, she was a professor in a college and a very, you know, highly qualified lady and beautiful, amazing lady, but she was suppressed throughout by her husband. She could never speak for herself, and then she said to me, and she said it in front of everybody, she literally took the mic from me, you know, Neha, I want to speak. Very nice lady. And I was like, wow, okay, go on. And she's like, she said to everybody in my life seminar that ki wo jo maine apne husband ke shoe mein jaakar dekha, yani she just tried to get into the perspective of her husband, not by conscious level, subconsciously, by doing the subconscious techniques that I teach. She's like, mujhe अपने आप ही वो जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी बहुत टाइम से, वो होने लग गई, सही कम्युनिकेशन होने लग गई, जिसके बारे में अभी आपसे बात करने वाली हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? एवरीबॉडी ध्यान से सुनिएगा। तो तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो गई, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे और होता क्या आर्ग्यूमेंट्स में? देखिए, आर्ग्यूमेंट्स में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो तरह की आर्ग्यूमेंट, ऑफकोर्स कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड फ्लैट तो हो गया, बट आर्ग्यूमेंट में किस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज वो है, जब भी हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही होती है हम यू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यू डिड दिस, वाई डिड यू डू दैट, वाई डिडंट यू कम होम ऑन टाइम, वाई डिडंट यू क्लोज द डोर, यू नो यू 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 पर आ रहा है। तो जब भी आप यू 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 पर यू नो एम्फसाइज करेंगे तो आप दूसरे पर्सन के इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हो। नाउ आप ये भी कह सकते हो कि मेरी वाइफ ने भी तो मुझे या मेरे पार्टनर ने भी तो मुझे बहुत हर्ट करा है, करा है, बट डजेंट मीन दैट यू हैव टू टेक अ रिवेंज, राइट? सो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि आपको यू के बदले अब आई को यूज़ करना ज़रूरी है। यू क्या है, यू में क्या हुआ यहाँ पर कि आपने उस पर ब्लेम किया, है ना, और क्रिटिसाइज़ किया या ब्लेम किया, और आपने वही सांप वाला एग्जाम्पल, अपना जहर उनको दे दिया, राइट? आप जो भी फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यू से आई पे स्विच करना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू डिड दिस, यू डिड दैट, यू शुड बी सेइंग I feel that I don't feel good about this particular situation. What do you think that we can do to resolve it? Now you would say, yeah, come on, my husband is not, or my partner is not like that. You know, he would not even understand all this. He just wants to fight. He or she just wants to fight. I understand that. Maybe at the first time, he
और शी विल नॉट लिसन टू यू, विल नॉट अग्री विद यू. बट एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करके अपने आप, आपकी जब कम्युनिकेशन चेंज होगी, अभी मैं कम्युनिकेशन पर भी आ रही हूँ, जब वो चेंज होगी तब आपको अपने आप डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा. आपने ब्लेम की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. समझ आया अभी क्या हो रहा था? यू जब हम करते हैं तो हम ब्लेम कर रहे हैं, जब हम यू कर रहे हैं तो हम यू को यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तब हम ब्लेम कर रहे हैं. लेकिन जब हम आई बोल रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. राइट, ये हो गई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर. ये एक स्विच करेंगे आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स में, स्पेशली लॉकडाउन में बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो हम फिर भी बाहर जा सकते हैं, यू नो, लोगों से भी मिल सकते हैं, बट अभी लॉकडाउन में हम नहीं मिल सकते हैं. उसी इंसान का चेहरा बारी बारी देखने को मिल रहा है, चाहे आपकी फ्लैट रिलेशनशिप हो, चाहे डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो, और अगर कंस्ट्रक्टिव भी है, स्टिल देर आर चांसेस. क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं है ना कि हम घर के अंदर बैठ के रहें, राइट, और हम बिल्कुल बंधे हुए हैं. लाइक आई नो दैट आई एम एट अ प्लेस वेयर आई कैन जस्ट वॉक अराउंड, बट मैं भी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हूँ. बट कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हो, तो जब भी एक व्यक्ति बंधा हुआ होता है तो बहुत लिमिटेड फील करता है, और उसके रिसोर्स भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, वो अपने रिसोर्सफुल नहीं बना पाता है अपने आप को, राइट. सो यहाँ पर आप अपने अच्छे रिसोर्स को, यानी कि अच्छे स्टेट ऑफ माइंड को यूज़ करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आई को यूज़ करेंगे, राइट. अनदर थिंग दैट यू विल बी डूइंग हियर इज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि आप यहाँ से अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करेंगे. कम्युनिकेशन मतलब क्या? कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो खुद भी काफ़ी ट्राई करा और हुआ ही नहीं मुझसे ये, यू नो, आई ट्राइड convincing my partner and I tell him all the time but he doesn't listen to me and this ends up in a fight or you know me being angry and blah blah blah. Why? Because you're doing it on the conscious level. आपको अपनी language change करनी होगी. मैं आपको example देती हूँ यहाँ पर. अगर आप अपने partner से बात कर रहे हैं, उनको convince कर रहे हैं एक argument में, let's say in Chinese for example, please समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ. अगर आप उनको चाइनीज़ में बोल रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है, तो विच मीन्स कि उनको लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत है, आपकी लैंग्वेज चेंज होने की ज़रूरत है यहाँ पर. मे बी नीड टू टेक अनदर लैंग्वेज. और आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ वर्बल लैंग्वेज की. अगर वर्बल लैंग्वेज से ही सारे रिश्ते ठीक होते ना, तो रिलेशनशिप सबसे टॉप पर होता, सबसे टॉप पर माना जाता कि रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑन दिस प्लानट टू बी इन. बट कितने लोग हैं जो रिश्तों में बंधना ही नहीं चाहते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इट इज़ नॉट द वर्बल लैंग्वेज. वर्बल लैंग्वेज की तो सिर्फ और सिर्फ 7% वैल्यू है, 7% इम्पॉर्टेंस है, राइट. सो यू नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज यू आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ टोन यू आर यूजिंग व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पार्टनर, राइट. व्हाट काइंड ऑफ टोन यू आर यूजिंग व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पार्टनर. एंड द लास्ट थिंग, जब भी आपकी आर्ग्यूमेंट होती है, एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेट्स से, लेट्स सपोज, और उन्होंने किचन में कुछ सामान रखना था वो नहीं किया, राइट. मे बी फीमेल और मेल, जो भी आपके पार्टनर हैं, तो क्या आपकी नीड है जो पूरी नहीं हो रही है? क्या वो जो काम नहीं हुआ वो आपको बुरा लगा, या आपको ये बुरा लगा कि आपको प्रॉपर इम्पॉर्टेंस नहीं मिली, चाहे 10 साल 5 साल की रिलेशनशिप में, और आपकी बात नहीं मानी जा रही है, राइट. या फिर आपको वो प्यार नहीं दिया जा रहा है, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है. कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हो रही है, माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको समझना होगा. एंड देन वंस अगेन यू विल गो टू द फर्स्ट स्टेप, विच इज़ फ्रॉम यू टू आई. एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग यू डिड दिस, यू डिड दैट, व्हाई डू यू डू दैट, व्हाई डोंट यू डू दिस, व्हाई डू यू ऑलवेज डू दैट, यही सब स्टेटमेंट्स होती है ना. इंस्टेड ऑफ दैट, स्विच टू आई. आई फील दैट यू शुड बी, और आई फील आई शुड I should be loved more, and I definitely deserve love more. Tell me, what can I do to make things better, right? We can talk about this I part more in the next videos. If you really like the video, do ask me more question on relationship, and this is one of my favorite topic, because I feel relationship is one of the most beautiful thing that a person can have on this planet, you know. So dekhiye, aapne dekha na, jo janwar hote hain aur insaan hote hain, dono mein pata kya bahut bada difference hai. One of the best and the top differences that जो इंसान होते हैं वो रिज़ोल्व करना जानते हैं, वो रिज़ोल्व करना जानते हैं, वो ग्रो करना जानते हैं, वो क्रिएट करना जानते हैं. इसके बारे में हम फिर से एक बार किसी और वीडियो में बात करेंगे इन डेप्थ. और जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर हमारे आसपास सोसाइटी के लोग हैं, हमारे आसपास
रिलेटिव्स हैं यू नो जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं और एक रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं यू नो, और उस रिश्ते का आप क्या नाम देते हो, यानी कि रिश्ता कहीं आपके लिए बॉन्डेज तो नहीं है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप दोनों ग्रो कर सको। तो अपना एक मीनिंग भी दीजिए अपने रिलेशनशिप का, आप रिलेशनशिप का क्या मीनिंग मानते हैं, क्या समझते हैं रिलेशनशिप को, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, यू टू आई कम्युनिकेशन एंड आपकी कौन सी नीड है जो सेटिस्फाइड नहीं होती है जब भी आपके पार्टनर कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं करते हैं और एंड यू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद हिम और हर, राइट? इफ़ यू वांट टू शेयर दैट विद मी, प्लीज़ डू शेयर दैट विद मी इन दी कमेंट बॉक्स एज वेल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आई एम विलिंग टू मेक वन वीडियो एवरी डे फॉर यू ऑल, बिकॉज आई नो इस लॉकडाउन टाइम में बहुत लोग हैं जो बहुत गो थ्रू कर रहे हैं और हमने इस लॉकडाउन से गो थ्रू नहीं करना है, हमने ग्रो थ्रू करना है। सो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स कम आउट ऑफ दिस लॉकडाउन एज अ बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।